सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता, नर्तक और परोपकारी व्यक्ति थे। राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल के बाद जेड टीवी के लोकप्रिय शो पवित्रा रिश्ता में एक पुरस्कार विजेता प्रदर्शन था। राजपूत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैपोचे में की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी शुद्ध देसी रोमांस और एक्शन थ्रिलर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में टाइटल जासूस के रूप में अभिनय किया। उनकी सबसे अधिक कमाई वाली फिल्में 2014 में पीके में सहायक भूमिका के साथ आईं। इसके बाद स्पोर्ट्स बायोपिक में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में, बाद में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। राजपूत ने 2018 में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों केदारनाथ और छिछोरे में अभिनय किया। भारत सरकार के नीति थिंक टैंक नाइटी आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए। इनसे ही वेंचर्स के अभिनय और दौड़ के अलावा राजपूत युवा छात्रों की मदद करने के प्रयासों के तहत शिक्षा के लिए सुशांत जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल थे। जून 2020 में 34 वर्ष की आयु में राजपूत की मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। प्रारंभिक जीवन, राजपूत का जन्म पटना में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर हुआ था। उनका पैतृक घर बिहार के पूर्णिया जिले में है। उनकी एक बहन नीतू सिंह राज्य स्तर की एक क्रिकेटर है। 2002 में उनकी मां की मृत्यु ने राजपूत को तबाह कर दिया और यह उसी वर्ष में था जब परिवार पटना से दिल्ली चला गया। राजपूत ने पटना में सेंट करेन हाई स्कूल और नई दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। राजपूत के अनुसार उन्होंने 2003 में DCE प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कक्षा में प्रवेश प्राप्त किया। वह भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेता भी थे। कुल मिलाकर उन्होंने 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को मंजूरी दी, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी शामिल है। थिएटर और नृत्य में भाग लेने के बाद उनके पास शायद ही कभी पढ़ाई के लिए समय था, जिसके परिणाम स्वरूप कई बैकलॉग थे जो अंततः उन्हें छुट्टी दे दी। एक्टिंग करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ने से पहले केवल 4 साल का कोर्स पूरा किया। राजपूत ने पटना टेलीविजन 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने राजपूत के व्यक्तित्व और अभिनय प्रतिभा को देखा, जबकि वह अक्यूट नाटकों में से एक के लिए मंच पर थे। उन्होंने उन्हें उनके लिए ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया और राजपूत ने किस देश में है मेरा दिल में प्रीत जुनेजा की भूमिका निभाई। शो में उनका किरदार काफी पहले ही मार दिया गया था, लेकिन दर्शकों के साथ वह इतना लोकप्रिय किरदार था कि उसे एक भावना के रूप में श्रृंखला के समापन के लिए वापस लाया गया था, जिसे देखते हुए उसके परिवार ने कठिन समय से गुजरने के बाद जश्न मनाया। जून 2009 में राजपूत ने पवित्रा रिश्ता में मानव देशमुख के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जो एक गंभीर और परिपक्व किरदार था, जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था। इस धारावाहिक में उनके काम को व्यापक सराहना मिली और राजपूत को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता और सबसे लोकप्रिय अभिनेता के लिए 3 प्रमुख टेलीविजन पुरस्कार मिले। यह प्रदर्शन उनकी सफलता थी और उन्होंने उन्हें फिल्मों में कदम रखा। शुरुआत में जब निर्माता एकता कपूर ने उन्हें किस रीत में लीड रोल के लिए कास्ट किया, जबकि किस देश में है मेरा दिल जेड टीवी ने उन्हें मुख्य भूमिका नहीं दी, हालांकि कपूर ने उन्हें स्वीकार करने के लिए मना लिया। मई 2010 में राजपूत डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा में शामिल हुए। उन्होंने
पवित्रा रिश्त में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीतकर अपनी अभिनय प्रतिभा को पहले ही साबित कर दिया था और वह यह स्थापित करना चाहते थे कि उनके पास अच्छा नृत्य कौशल है और उन्हें आगे भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। जरा नचके में राजकपूर मस्त कलंदर बॉयज टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एक ही समय में पवित्रा रिश्त और जरा नचके दिखा दो की शूटिंग की। मदर्स डे के विशेष एपिसोड में उनकी टीम ने अपनी मां को एक प्रदर्शन समर्पित किया जिसकी 2002 में मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 2010 में राजपूत ने एक और नृत्य आधारित रियलिटी शो झलक दिखला जा 4 में भाग लिया जहां उन्हें कोरियोग्राफर शिम्पा सोंथालिया के साथ जोड़ा गया था। अक्टूबर 2011 में राजपूत ने विदेश में फिल्म बनाने के लिए पवित्रा रिश्त को छोड़ने का फैसला किया और नवंबर 2011 में राजपूत ने श्रृंखला छोड़ दी और उनकी जगह हितेन तेजवानी को नियुक्त किया गया। हालांकि अक्टूबर 2014 में तेजवानी ने राजपूत के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो 25 अक्टूबर 2014 को मानव के रूप में प्रसारित अंतिम एपिसोड में दिखाई दी। फिल्मी करियर राजपूत ने अभिषेक कपूर की कायपोचे के लिए ऑडिशन दिया और राजकुमार राव और अमित साध के साथ में से एक का चयन करने के लिए चुना गया। चेतन भगत के उपन्यास द तीन मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। राजपूत के पूर्व जिला स्तर के क्रिकेटर ईशान भट्ट के चित्रण में जो क्रिकेट चयन बिरादरी में राजनीति का शिकार है की प्रशंसा की गई। आलोचक राजीव मसंद ने लिखा, यह सुशांत सिंह राजपूत है ईशान के रूप में फिल्म की शुरुआत करते हुए जो आपकी आंखें बंद करना मुश्किल है। अभिनेता की एक अवर्णनीय उपस्थिति है और यह उसके आत्मविश्वास और स्पष्ट संभावना से स्पष्ट है कि एक स्टार पैदा हुआ है। परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर के साथ राजपूत की दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस थी। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म लिव इन रिश्तों के विषय से संबंधित है और पूरी तरह से जयपुर राजस्थान में फिल्माई गई थी। बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श ने राजपूत के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पहली हिंदी आउटिंग में जबरदस्त छाप छोड़ने के बाद अपने अनौपचारिक और सहज अभिनय के साथ बहुत ताजगी लाई। रेड इफ के लिए सुकन्या वर्मा ने कहा, कायपो में एक गतिशील शुरुआत के बाद जे राजपूत अपनी प्रचुर ऊर्जा को एक ऐसे शख्स की संतानहीनता से अवगत कराने के लिए प्रसारित करता है जो एक आस्तीन पर अपना दिल लगाता है। सुशांत की अगली भूमिका राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म पीके में थी। हालांकि उनकी भूमिका अपेक्षाकृत मामूली थी क्योंकि फिल्म में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। आमिर खान और अनुष्का शर्मा अपनी रिलीज के बाद फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक साबित हुई। 2015 में राजपूत की एकमात्र रिलीज दिवाकर बैनर्जी की मिस्ट्री थ्रिलर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी थी जिसमें 2015 में उन्होंने बंगाली लेखक श्रद्धेलु बंदोपाध्याय द्वारा बनाई गई जासूसी ब्योमकेश बख्शी को चित्रित किया था। फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स और बैनर्जी की अपनी फिल्म निर्माण कंपनी दिवाकर बैनर्जी प्रोडक्शंस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 1940 के दशक में कोलकाता में सेट फिल्म 3 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। 2016 में राजपूत नीरज पांडे लिखित जीवनी पर आधारित फिल्म एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मुख्य भूमिका में यह फिल्म 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। राजपूत के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी और फिल्म की रिलीज से पहले ही क्रिकेटर के उनके चित्रण की सराहना की गई थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राजपूत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उन्हें आर माधवन के साथ एक साइंस फिक्शन स्पेस फिल्म चंदा मामा दूर के में दिखाई देना था।
लेकिन बजट के मुद्दों के कारण फिल्म को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। उन्होंने मुकेश छाबरा की रीमेक इन द स्टार्स इन अवर स्टार्स में दिल देख शीर्षक से भी अभिनय किया। वह राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य कवि रविंद्रनाथ टैगोर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सहित 12 वास्तविक जीवन के चरित्रों को भी भारत की कहानियों पर एक बायोपिक श्रृंखला में सेट करने के लिए तैयार थे। व्यक्तिगत जीवन, राजपूत 6 साल तक अपनी सह कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ते में थे। वे 2016 में टूट गए। मौत 14 जून 2020 को, राजपूत 34 वर्ष। मुंबई के बांद्रा में अपने घर में फांसी लगाकर एक स्पष्ट आत्महत्या से मृत पाए गए, उसका शव छत के पंखे से लटका मिला। वह कथित तौर पर लगभग 6 महीने से अवसाद से पीड़ित था। उसके फ्लैट में अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।